हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल कुक बुक बाय मोहिनी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि पुदीने वाला नमक कैसे बनाते हैं। तो ये मैंने अपना पुदीने वाला नमक बनाया हुआ है, तो इसकी चलिए इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो बाद में आपका ये ऐसे बनने वाला नमक, और इसको आप जैसे मर्जी यूज़ करो, शिकंजवी बनाओ या फिर नॉर्मल जो दही है उसमें डाल के खाओ, रायते में डाल के खाओ, जो किसी भी चीज़ में दही भल्ले में डाल के खाओ, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि आप इसको बार बार बनाने वाले हो। तो चलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसको आपने बनाना कैसे है। सबसे पहले आपने क्या करना है, पुदीना ले लेना है, जैसे ये मेरा गार्डन फ्रेश पुदीना है। तो इसको आपने क्या करना है, सबसे पहले वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने क्या करना है, ऐसी कोई भी एक टोकरी ले लो, तो उसमें आप ऐसे एक नीचे कागज़ बिछा दो और उसके ऊपर अपने जो वॉश करके आपने रखा पुदीना उसको उसके ऊपर रख दो। तो इसको हमने घर के अंदर छत के अंदर ही सुखाना है, तो 3-4 दिन लग जाएंगे इसको सूखने में। आजकल जैसे गर्मी है तो 3-4 दिन में सूख जाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो मेरा पुदीना एकदम सूख गया है, तो मैंने इसको अपनी इस टोकरी में डाल लिए, और इसकी जो सारी डंडियाँ हैं ऊपर वाली इसको हमने निकाल देनी है, और पत्ते पत्ते इसके अपने आप ही नीचे आ जाएंगे। तो चलिए पहले अपने पुदीने को रेडी करते हैं, फिर हम उसके बाद बनाएंगे अपना पुदीने वाला नमक, जो बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बार आपने बना लिया तो फिर आप बार बार बनाने वाले। हमें चाहिए 2-3 चम्मच जीरा, तो जीरे को हमने हल्का सा भून लिए, तो ये देखो बस इतना ब्राउनी करने। पुदीने का नमक बनाने के लिए हमने पुदीने की पत्तियों को सुखा के रेडी कर लिए। तो इसके लिए हमें और क्या चाहिए, और ऐसे हमारा ब्लैक सॉल्ट के हमें पैकेट मिलते हैं मार्केट में, तो वो मैंने ब्लैक सॉल्ट है जो उसमें रख लिया है एक कटोरी में। तो ये 3-4 चम्मच आपने ब्लैक सॉल्ट ले लेना है, और 5-7 चम्मच आप अपना नमक ले लो, ऑर्डिनरी नमक है। 2 चम्मच मैंने ये रखी हुई है अपनी काली मिर्ची, और ये ज़ीरा जो मैंने अभी अभी हल्का सा रोस्ट किया है, तो ये हमको चाहिए। तो हम इन सभी इंग्रेडिएंट्स को क्या करेंगे, हम मिक्सी में इसको ग्राइंड करेंगे। मिक्सर जार में मैंने नमक डाल दिए, और साथ में मैंने ये काला नमक भी डाल दिया, उसके साथ ही मैं ये ब्लैक पेपर है वो भी डाल रही हूँ, और इसके साथ ही मैं अपना जो ज़ीरा है रोस्टेड वो भी इसी में डाल रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसको ग्राइंड करेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें बाद में पुदीना डालेंगे। तो ये देखिए हमने नमक को पीस लिए, तो अब हम इसमें डालने वाले हैं अपना पुदीना। तो ये मैंने अपना डाल दिया इसमें पुदीना। तो अब हम फिर से इसको ग्राइंड करेंगे मिक्सर जार में। पुदीना डाल के हमने इसको पीस लिया, तो ये देखिए ये वाला कलर इसका बन गया, टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे अपने जार में। तो ये देखिए हमने अच्छे से इसको कर लिया मिक्सी में ग्राइंड, और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं अपने जार में। तो आप कोई भी कांच का जार ले लो, उसमें आप इसको ट्रांसफ़र कर दो, और फिर उसको आप यूज़ करो। नींबू पानी बनाओ, शिकंजवी बनाओ, कुछ भी बनाओ, रायता बनाओ, जो नॉर्मल सिंपल दही में डाल के खाओ, तब ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो ये देखिए हमारा कितना अच्छा नमक रेडी हो गया, टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, और एक बार बनाओ और बार बार खाओ। और ये देखो मैंने पुदीने का नमक अपना रेडी कर लिया। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और ये नमक बनाने की ट्राई ज़रूर करना। थैंक यू।